भारतीय जनसंघ के संस्थापक प्रखर राष्ट्रवादी महान शिक्षाविद चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच पाकुड़ के सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट कॉम्प्लेक्स में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनुग्रहित प्रसाद शाह ने किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुग्रहित प्रसाद शाह ने कहा कि राष्ट्रीय अस्मिता के आदित्य प्रतीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर शत शत नमन है। भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कहा कि अखंड भारत के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक महान शिक्षाविद जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शहादत दिवस है। आज हमारे लिए दुर्भाग्य का दिन है। डॉक्टर मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता थे और देश के लिए, देश की अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम सभी इस बलिदान दिवस पर डॉक्टर मुखर्जी के आदमकद प्रतिमा के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्यतिथि है, हम लोग सब मनाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज बहुत दुख का दिन भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उसका नारा था जो एक देश में दो झंडा नहीं उड़ेगा, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, इसका नारा था। इस नारे पे इसको कश्मीर में गए थे, कश्मीर में जाके उसको गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार कर लेने के बाद 22 दिन जेल में रहा और आज ही के दिन उसका देहांत हुआ था। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।